आज की वीडियो में हम बात करेंगे माउथ प्रिपरेशन की या फिर प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी की। अगर किसी पेशेंट को हमें प्रोस्थेसिस देना है, डेंचर देना है, तो उसके पहले हम क्या क्या माउथ प्रिपरेशन करते हैं, किन सर्जरीज की ज़रूरत होती है वो हम देखेंगे, याद करेंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ईजिली कैसे याद कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और एक ट्रिक से हम इसको याद करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए अभी के अभी आपको याद हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो हम समझ रहे हैं आज माउथ प्रिपरेशन या फिर प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी। और यहाँ पर पहले मैंने ये लिखा हुआ है, इन तीन हेडिंग्स के अंदर आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम नहीं समझेंगे, ईजी करके समझेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, सर्जरी फॉर रिज करेक्शन, सर्जरी फॉर रिज एक्सटेंशन और सर्जरी फॉर रिज ऑगमेंटेशन। इनके अंडर आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अभी हम इसको नहीं समझ रहे हैं, इसको हम ईजी करके कैसे हम अभी याद कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको याद करना है एल वी एक्स फ्री रिमूवल रिडक्शन। आप दो चार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, एल वी एक्स फ्री रिमूवल रिडक्शन। ऐसे आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, एल वी एक्स फ्री रिमूवल रिडक्शन। और फिर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो याद कर लीजिए एल वी एक्स फ्री रिमूवल रिडक्शन। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट है एल, इससे होगा हमारा एल्वियोलो प्लास्टी। अब जो सर्जरीज है अभी हम इनके अंडर नहीं समझ रहे, जैसे मैंने आपको बोला कुछ जो जितनी भी सर्जरीज होंगी कुछ रिज करेक्शन के अंडर आएंगी, कुछ रिज एक्सटेंशन के अंदर आएगी, कुछ रिज ऑगमेंटेशन के लिए यूज होती हैं, लेकिन हम उसके अंडर नहीं समझ रहे हैं, सीधे सीधे हम समझेंगे। तो फर्स्ट है एल, एल्वियोलो प्लास्टी। सेकेंड है वी, वेस्टिब्यूलो प्लास्टी, याद होते चला जाएगा आपको। एक्स, एक्स से आपको याद रखना है एक्सीजन ऑफ टोराई। और जो एक्स है इससे दो हमारे बनेंगे, एक्सीजन ऑफ टोराई, मैंडिबल और मैक्सिलरी। तो चाहे तो आप ऐसा लिख के अलग अलग लिख सकते हैं मैक्सिलरी और मैंडिबल, या फिर इसके दो पॉइंट बना दीजिए, एक्सीजन ऑफ मैक्सिलरी टोराई, फोर्थ एक्सीजन ऑफ यस मैंडिबुलर टोराई। मैक्सिलरी टोराई को हम टोरस पैलेटिनस बोलते हैं, पैलेट में ये होती है मिडलाइन में। एक्सीजन ऑफ मैंडिबुलर टोराई, मैंडिबुलर टोराई को हम टोरस मैंडिबुलरिस बोलते हैं। चाहे तो आप इनको याद कर सकते हैं या डायरेक्ट एक्सीजन ऑफ मैक्सिलरी टोराई, मैंडिबुलर टोराई आप याद कर सकते हैं। तो एल वी एक्स। अब नेक्स्ट है फ्री, इससे हमारा फिफ्थ बनेगा फ्रीनेक्टोमी। जो फ्रीनम को हम रिमूव करते हैं, बक्कल फ्रीनम है या लेबियल फ्रीनम है, अगर इनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं फ्रीनेक्टोमी। नेक्स्ट है रिमूवल, तो हम रिमूवल लिख लेते हैं। तो जैसे हमने एक्स में दो याद किए थे, एक्सीजन ऑफ टोराई, मैक्सिलरी मैंडिबल, वैसे ही रिमूवल में भी हम दो पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ रिटेन डेंटिशन। अगर कोई दांत मुंह में है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर कोई रूट स्टम्स बचा हुआ है उनको हम निकालेंगे, तो रिमूवल ऑफ रिटेन डेंटिशन। सेकेंड इसी में पॉइंट बनेगा, दो पॉइंट इससे भी हमें बनाने हैं, रिमूवल ऑफ अंडरकट्स। अगर रिज में कोई अंडरकट्स है उनको हम रिमूव करेंगे। और जो लास्ट है रिडक्शन, हम लिख लेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन से क्या याद रखना है आपको, रिडक्शन ऑफ मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। तो ये जो हम एल वी एक्स फ्री रिमूवल रिडक्शन याद किए हैं, इससे हमने इसको बढ़ा दिया, आठ पॉइंट हमारे बन जाते हैं जो प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी है, जो माउथ प्रिपरेशन है वो हमें याद हो जाता है, इजीली याद हो जाएगा।
और जैसा मैंने आपको बताया, आप ऐसा के ऐसा याद कर सकते हैं, और इनका थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन हम किसी और वीडियो में समझेंगे, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन समझ रहे थे, याद कर रहे थे इसको, तो इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और अगर इन हेडिंग्स के अंडर आप करना चाहते हैं तो इनमें से ही कुछ जैसे प्रोसीजर है, एल्वियोप्लास्टी है, ये रिज करेक्शन के अंडर आएगी। इसके बाद जो वेस्टिबुलोप्लास्टी है वो रिज एक्सटेंशन के अंदर आती है। रिज ऑगमेंटेशन में अगर रिज रिजॉल्व्ड है उसके लिए जो हम सर्जरीज करते हैं वो रिज ऑगमेंटेशन के अंडर आती है। तो ये आप 8 पॉइंट याद कर सकते हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा। एलवी एक्सप्री रिमूवल रिडक्शन आप याद कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। इजी डेंटिस्ट्री को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें इजी डेंटिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।